हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो सारे? यार प्लीज चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो, लाइक करो, वायरल कर दो चैनल को। तो आज है पीएसएल का 27वां मैच जो खेला जाएगा इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान के दरमियान 2 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, इंडियन वक्त के मुताबिक 2:30 बजे। ये मुकाबला खेला जाएगा रावलपिंडी स्टेडियम में। एक नजर डालते हैं इन दोनों की, पूरे पीएसएल की टीमों के पॉइंट टेबल पे। तो पॉइंट टेबल कुछ इस तरह के कि मुल्तान सुल्तान 8 मैचेस खेले हैं, 6 विन किए हैं, 2 लॉस्ट हैं और 12 उसके जो पॉइंट्स हैं। उसके बाद अगर देखें पिशावर जलमी, तो पिशावर जलमी ने 9 मैचेस खेले हैं, 5 विन किए हैं, 3 लॉस्ट है, एक जो है रिजल्ट नहीं निकला बारिश के बायस, 1 पॉइंट मिला, तो उनका 11 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पे है। फिर आती है बारी इस्लामाबाद यूनाइटेड की, जिसने 9 मैचेस खेले हैं, 4 विन किए हैं, 4 लॉस्ट है, एक बारिश की नजर हुआ मैच जिसका 1 पॉइंट मिला, तो 9 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पे है। फिर आता है क्विटा ग्लेडिएटर का नाम, जिसने 8 मैचेस खेले हैं, 4 विन किए हैं, 3 लॉस्ट है उनकी, 1 बारिश की नजर हुआ, तो उनके 9 पॉइंट के साथ वो चौथे नंबर पे हैं। फिर आती है बारी कराची किंग्स की, जो 9 पॉइंट और 9 मैचेस खेले हैं, 4 विन किए हैं, 5 लॉस्ट है उनके, 8 पॉइंट के साथ है 5वें नंबर पे। फिर लाहौर कलंदर्स की बारी, जिन्होंने 9 मैचेस खेले हैं, 1 विन किया है, 7 लॉस्ट है उनके, 1 बारिश की नजर हुआ जिसका 1 पॉइंट मिला, तो उनको 3 पॉइंट मिले हैं, वो इसके साथ छठे नंबर पे है। तो यह टॉप 4 जो टीम्स हैं वो क्वालिफाई करेंगी प्लेऑफ के लिए, अगले राउंड के लिए। सिर्फ एक ही टीम है अभी तक, मुल्तान सुल्तान, जो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। ये क्यू का जो निशान है तो उसका ही सिंबल है कि वो पहली मैच है, पहली टीम है जो क्वालिफाई कर चुकी है अगले राउंड्स के लिए। अब देखते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान के पिछले जो 5 मैचेस हैं उनका रिकॉर्ड के क्या, तो उन पे एक नजर डाली जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड 1 विन है, 1 लॉस्ट है, फिर 2 विन है, फिर 1 लॉस्ट है। फिर मुल्तान सुल्तान को अगर देखें तो 1 लॉस्ट है, फिर 3 विन है, फिर 1 लॉस्ट है। तो ये इनके जो मैचेस का सुनहरिया जो लास्ट 5 मैचेस में इन दोनों ने किया है। अगर एक्सपेक्टेड जो है हम देखें कि जो प्लेइंग 11 है वो मुल्तान सुल्तान की प्लेइंग 11 पे एक नजर दौड़ा है, तो सबसे पहले जो कैप्टन है वो मोहम्मद रिजवान, फिर उसके बाद बारी आती है रेजा हेड्रिक्स की, डेविड मालान की, तैयब ताहिर, इफ्तिखार अहमद, खुश दिलशाह, किर्स जॉर्डन, डेविड विली, उसामा मीर, आफताब इब्राहिम और मोहम्मद अली। ये इनकी जो प्लेइंग 11 है जो आज एक्सपेक्टेड है कि यही खेलेगी प्लेइंग 11, जो आज यही खेलेगी प्लेइंग 11। तो एक नज़र हम देखते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की प्लेइंग 11 के वो उनकी कौन सी है प्लेइंग 11 आज की। तो उनमें जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है शादाब खान का जो कैप्टन है, उसके बाद एलेक्स हेल, कोलिन मनारो, आगा सलमान, आजम खान, हैदर अली, इमाद वसीम, फहीम अशरफ, मैथ्यू फॉल्ड, हुनैन शाह और टैमल मिल्स। तो ये इनके जो प्लेइंग 11 है इस्लामाबाद यूनाइटेड की
जो एक्सपेक्टेड है कि ये आज का मैच खेलेगी। एक आध अगर चेंजिंग करी तो उसके पास तो वो अलग चीज़ है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड है कि ये ही आज खेलेगी। तो दोनों तगड़ी है। आज का मैच अगर किसी भी बिना पे इस्लामाबाद यूनाइटेड लॉस करती है, नहीं जीत पाती, तो इसका फायदा कराची किंग्स को होगा। कराची किंग्स फिर प्ले ऑफ के लिए मजबूत हो जाएगी। तो देखना यह है कि मुल्तान सुल्तान भी ये मैच लूज नहीं करना चाहेगी। उनके दो मैचेस अभी रहते हैं और इस्लामाबाद का एक मैच, इस्लामाबाद का अगर देखा जाए तो एक मैच ये लास्ट मैच है, 10वां मैच है, आखिरी मैच है। तो आज अगर वो ये जीत पाएंगे तो उनके लिए मौका होगा कि वो प्ले ऑफ में हो, लेकिन अगर ये लूज कर पाते हैं तो फिर कराची किंग्स का एक मैच रहता है। अगर वो जीत पाएंगे तो फिर वो मजबूत उम्मीदवार हो जाएंगे प्ले ऑफ के लिए। ये आज का जो मुकाबला है ये खेला जाएगा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, जो स्टेडियम में बहुत से मैचेस हुए हैं और जो जिसने पहला जो वहां पर टॉस किया है उस वो भी वहां पर जीते हैं, जो लास्ट में खेले हैं वो भी जीते हैं। तो यहां पर आपको अपनी खुद एतमादी के साथ खेलना पड़ेगा ये मैच जीतने के लिए। दोनों टीमों को जान की बाजी लगानी पड़ेगी आज के लिए। तो ये प्ले ऑफ ये पीएसएल में ये प्ले ऑफ के लिए ये ग्रुप मैचेस के आखिरी लम्हात हैं। ग्रुप मैचेस के बाद दूसरा मरहला शुरू हो जाता है प्ले ऑफ का, जिसमें ये दोनों टीमें आपस में टकराएंगे। इसके बाद दूसरा जो मुकाबला है, आज संडे है तो आज दूसरा मुकाबला भी है, वो जो 7 बजे खेला जाएगा वो है लाहौर कलंदर्स और कोटिया के दरमियान, जो 7 बजे आज खेला जाएगा शाम में। तो ये प्ले मुकाबले हैं, आप देख लीजिए। और प्लीज डू सब्सक्राइब चैनल, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें, आप दोस्तों की शुक्रिया। आप इसको देख लीजिए, ये प्लेइंग 11 पे एक दफा और नजर दौड़ाएं। तो ये प्लेइंग 11 है, ये इन दोनों का लास्ट 5 मैचेस का रिकॉर्ड है कि क्या है, और ये है पॉइंट्स टेबल जो आज ये दोनों 6 टीमें जो है पीएसएल की, ये उनका पूरा पॉइंट्स टेबल है। उसके बाद ये आज ये मैच तगड़ा मैच है, दोनों ही मैच को जीतना चाहेंगे, दोनों के लिए ये मैच जीतना अहम है। अगर प्लेऑफ में जगह बनानी है इस्लामाबाद यूनाइटेड को तो ये मैच उनके लिए बहुत अहम है आज जीतना। तो टक्कर का मुकाबला होने जा रहा है, आप देखिएगा जरूर आज का मुकाबला, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू दोस्तों, प्लीज डू सब्सक्राइब चैनल, शेयर, लाइक्स, कमेंट्स। थैंक्स एवरीवन टू ज्वाइन।